नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आम आदमी पार्टी का तीसरा विकल्प भाजपा के सामने विफल हुआ। ज्ञात हो कि आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जिन 3 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम इस बार के चुनाव में कुछ बेहतर नहीं कर पाए और हम इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने वालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंडी, प्रदेश सचिव विशाल खेलकर, आनंद मेरी, अन्य 3 पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे दिया। पंचायती राज न्यूज के TS राव के प्रश्न के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए हम पदाधिकारी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को बताया था, लेकिन भाजपा की सरकार बन गई है और उनका विकल्प विफल हो गया है। जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया है और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकार साथियों को नववर्ष की बधाई दी है और 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही भगवान श्री की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं भी दी हैं। मेरे साथ श्री कोमल उपेंडी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, साथ में आनंद मेरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, साथ में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अविन सिंह जी, साथ में OBC विंग के प्रदेश अध्यक्ष कमलकांत राव जी और SC विंग के प्रदेश अध्यक्ष श्री धरम भार्गव जी मेरे साथ में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से छत्तीसगढ़ की जनता को काफ़ी उम्मीदें थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके पार्टी के लिए काफ़ी काम भी किया। जनता की उम्मीदों पर हम लोग खरा नहीं उतर पाए और पार्टी की उम्मीदों पर भी हम लोग खरा नहीं उतर पाए, इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोग पार्टी के समस्त पदों से त्याग देकर पत्र दे रहे हैं और पार्टी को भी त्याग पत्र दे रहे हैं। इससे आगे की बातें कोमल जी बताएंगे। साथियों नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि पुराने में लेट हुआ, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ, क्षमा चाहूँगा। नया साल है, आप सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और आगामी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर, पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रभु राम का जो मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व में मैं शासकीय सेवा में सरकारी नौकरी छोड़ के वर्ष 2016 में आम आदमी पार्टी का सदस्य बना। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी, मैंने कोशिश की कि बेहतर तरीके से संगठन में काम कर सकें और छत्तीसगढ़ के उन लोग जो आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ बनके हम छत्तीसगढ़ में अपनी बात रखें। हमने पूरा प्रयास किया, हमने पूरा प्रयास ये भी किया कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती से खड़ा हो, एक नया विकल्प के रूप में खड़ा हो और सरकार भी बने। मैं किसी नेता पर, किसी पदाधिकारी पर दोषारोपण न करके अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद, जो भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी का हम सदस्य बने, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम ना तो उस अंतिम व्यक्ति जिसके लिए हम राजनीति में आए उनके लिए न्याय कर पा रहे हैं, ना तो हमारे कार्यकर्ता